the number of meter by 100 and write the centimeter after the product. यहाँ पे आपको बोल रहा है कि हम given meter number में से meter number को 100 से क्या करेंगे, multiply करेंगे और उसके बाद जो हमारा answer आएगा उसके पीछे हम centimeter लगा देंगे. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 meter equal to 100 centimeter होता है और जो हमारा given number होगा उसको हम 100 से क्या कर देंगे, multiply कर देंगे और जो हमारा answer आएगा उसके पीछे क्या लगा देंगे, centimeter वाला standard unit लगा देंगे. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल 5 meter, हमको क्या 5 meter जो हमको दिया है 5 meter, अभी 5 meter में कितने चेंज करना है, 20 meter में. तो यहाँ हमको क्या बोला गया था, हमने वही किया है, फर्स्ट हमने 100 लिखा है, उसके बाद जो हमारा given number है 5 लिखा है, ये हमको क्या दिया है, आपस में multiply कर दिया है और हमारा क्या आया है 500. 500 के बाद हमने cm डाल दिया है. क्यों? क्योंकि हमने meter को centimeter में convert कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं 1 meter equal to 100 centimeter. तो अगर 1 को 100 सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो 5 को 500 सेंटीमीटर में कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है 6 मीटर, 6 मीटर को कितने चेंज करना है, सेंटीमीटर में. तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, 100 इंटू 6 या सेंटीमीटर डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 600 के जो हमारा प्रोडक्ट आया उसके पीछे क्या लगा देंगे, सीएम. तो ये हमारा हो जाएगा 6 मीटर इक्वल टू 600 सेंटीमीटर. ओके, नाउ हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है 8 मीटर. व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी राइट 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 8 एंड राइट सीएम एंड वी गेट 800 सेंटीमीटर. वी कैन से दैट 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वी पुट 2 0 आफ्टर द नंबर ऑफ मीटर एंड राइट सेंटीमीटर इन दैट ऑफ मीटर. यहां पे बोल रहा है कि अगर हमको फर्स्ट मेथड नहीं करना होगा तो हम ना सेकंड मेथड भी कर सकते हैं. सेकंड मेथड में हमको क्या करना होगा, बस जो हमारे गिवन नंबर होगा, गिवन मीटर नंबर होगा, उसके बीच में हमको डबल जीरो पुट कर देना है और मीटर की जगह पे हमको सेंटीमीटर रख देना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर, ये 3 मीटर क्या है, अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, 2 0 पुट कर देंगे और जो ये मीटर का जगह है उसको सेंटीमीटर से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 14 मीटर लिखा है तो हम यहाँ पे नॉर्मली अपना पहले नंबर लिख देंगे 14, उसके बाद डबल जीरो लगा देंगे और उसके बाद मीटर की जगह क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर. अगर आपको ये चेक करना है कि आपका सही है या गलत है तो आप क्या करोगे, 100 × 40 कर दोगे तो आपका क्या आएगा, 40 × 100, ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर में. हम दोनों में से कोई भी मेथड जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो. ओके, नाउ हमारा सेकंड है कन्वर्शन ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर. यहाँ पे बोल रहा है हमको मीटर भी दिया है, हमको सेंटीमीटर भी दिया है, लेकिन हमको चेंज किसमें करना है, केवल सेंटीमीटर में. मतलब हमको मीटर भी दिया होगा, सेंटीमीटर भी दिया होगा, लेकिन हमको उसको टोटली सेंटीमीटर में चेंज करना है. ओके, तो हमारा फर्स्ट इसमें भी कुछ मेथड है. तो हमारा फर्स्ट मेथड है 5 मीटर, मीटर भी दिया है, हम यहाँ पे बोल रहा है 5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी दिया है. अब इसको क्या करना है, ये क्वेश्चन को क्या करना है, हमको केवल मीटर में चेंज करके उसका वैल्यू को लाना है. ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपना गिवन नंबर लिख देंगे 5 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको ये दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करना है, इसके लिए हम प्लस करेंगे. ठीक है, अब ये जो हमारा मीटर है इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा. ओके, तो हम पहले ये मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. ठीक है, तो 100 को चेंज करने के लिए क्या जानते हैं, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डायरेक्ट 2 0 पुट कर देंगे. तो 100 फर्स्ट वाला मेथड ये 100 × 5 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि अब ये दोनों स्टैंडर्ड यूनिट के लोग सेम है तो हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 × 5 = 500 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, और 500 प्लस 25 कर देंगे तो 525 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, अब यहाँ पे देखो एक हमको खुद को बनाने के लिए दिया है, ये क्या बोल रहा है, 8 मीटर है प्लस 42 सेंटीमीटर है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम करेंगे 8 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे इसमें मीटर का, 8 मीटर को कितने चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में. तो हम लिखेंगे 8 × 100 ब्रैकेट देंगे प्लस लिखेंगे
now this calculation, okay, meter into centimeter is our calculation. What we have to do here, we first we write 8 meter, 75 centimeter, and what we have to do, we have to just cross our meter unit and we just write 875 centimeter. Only we have to do one step, we have to cross our meter, okay. So for example, here also given 9 meter, 25 centimeter. What we have to do? We have to convert this question into the direct centimeter without any calculation. Okay? So what we have to do? We have to direct convert our meter standard unit and just we write 9 to 5 centimeter is our right answer.